हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जब हमारे पास समय नहीं रहे और हमें कुछ अच्छा या चटपटा सा खाने का हमारा मन करे और बच्चे ज्यादातर चटपटा ही पसंद करते हैं, तो आज हम बच्चों से रिलेटेड, बड़ों से रिलेटेड चटपटी रेसिपी शेयर करने वाली मैं आज आपके साथ। और आज हम बनाने वाले हैं सेव के पराठे। ये इंदौर में बहुत ज्यादा खाए जाते हैं और अगर आप कहीं भी रहते हैं ये पराठे आपको जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए हम पराठे के लिए सामग्री देख लेते हैं। सेव पराठे बनाने के लिए मैंने आटा लिया है। 2 कटोरी आटे को मैंने गूंथ कर पहले से रख दिया है और इस तरीके का सॉफ्ट रोटी का जो हम आटा लगाते हैं इसी तरीके से मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। 1 कटोरी मैंने ये सेव ली है, ये इंदौर में मिली जाती है। ये लॉन्ग की सेव है, आप देख सकते हैं इस तरीके की होती है। मैंने मीडियम साइज के लिए, इससे मोटी वाली भी होती है, लेकिन पराठे में हम इस तरीके की मीडियम सेव ले रहे हैं। ये मैंने 1 कटोरी ली है। कुछ धनिया की पत्ती मैंने धोकर वॉश कर काट कर रख ली है। 1 मैंने हरी मिर्चें ली है, इसे भी धोकर काट लिया है बारीक। 1 मैंने मीडियम साइज की छोटी प्याज ली है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। और मैंने 1/2 कटोरी ऑयल लिया है। यहाँ पे आप कोई भी अपने जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं। जीरावन मैंने 1/2 चम्मच लिया है, जीरावन का पाउडर है ये। अगर आपके यहाँ नहीं मिलता है तो आप कोई भी मसाला जो आप पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। थोड़ी हल्दी पाउडर लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। आप ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज्यादा। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐड करने वाली नहीं हूँ। 1 चुटकी मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है और मैंने 1/2 चम्मच खड़ा जीरा लिया है। ये तो हो गई हमारी सामग्री, अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। जो सेव है हम एक प्लेट में डाल लेंगे, प्याज डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और ये सारी सामग्री डाल देंगे हम। नमक, जीरा, हल्दी पाउडर, मसाले, ये हमने सब डाल दिए हैं। और धनिया की जो पत्तियाँ हमारी बची है इन्हें भी हम डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये सेव थोड़ी मोटी मोटी होती है, अगर आप चाहें तो इस तरीके से दबाते हुए करेंगे तो ये टूट जाएगी। ये देखिए, सारी चीजों को हम मिला लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि सेव होती है, उसके साथ प्याज होता है और उसके साथ जीरावन हो जाती है, तो काफी अच्छी खुशबू आती है इससे। इसका टेस्ट भी काफी अच्छा आता है। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, बहुत जल्दी बन जाती है स्टफिंग इसकी। तो ये तैयार हो गई है। आटे को हम चिकना लेते हैं। तब तक आटा हमने चिकना लिया है, आटे सूखा आटा भी हमने ले लिया है। सूखे आटे में हम हाथ लगाएंगे इस तरीके से और हाथ में इस तरीके से लगाएंगे। इनके हम लोही तैयार कर लेंगे। आटा हमने चिकना लिया है और पराठे बना रहे हैं तो बहुत पतले नहीं रहेंगे, मीडियम पराठे हम तैयार करने वाले हैं। ये देखिए, इस तरीके की हमने लोई तैयार की है और लोई को हम इस तरीके से कटोरी का शेप दे देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे तो ये कटोरी काफी अच्छी बन जाएगी। ये देखिए, और इसमें हम स्टफिंग डालेंगे, 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे हम और इसको हम इस तरीके से दबाते हुए बंद कर देंगे, चिपका देंगे ऐसे। और ये देखिए, हाथ से ऐसे कर देंगे। अब हम लगाएंगे इस पे सूखा आटा ऐसे, और ऐसे ही अगर आप ऐसे करेंगे तो ये जल्दी से बन जाते हैं। ये देखिए, हमने सूखा आटा लगाया और हाथ से हम दबाते हुए कर रहे हैं, गोल गोल बन जाएगा ये। ये देखिए, ये बहुत जल्दी बेला जाता है। तवा हमने रख दिया है गरम और इसको हम बेल लेते हैं। हल्के हाथ से बेलेंगे इसे। ये देखिए, हमने मीडियम साइज का लोई ली थी तो हमने मीडियम साइज का बेल कर तैयार कर लिया है। तवे को देख लेते हैं। तवा हमारा गर्म हो गया है और अब हम हमारा जो पराठा है इसे हम डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे हम पकने देंगे। पराठा है थोड़ा सिक चुका है, अब हम इसे पलट देंगे। देखिए, पलट दिया है
और इसे हम पकने देंगे लो फ्लेम पे। पराठे को पलटेंगे, ये देखिए सिकने लग गया है। अब हम यहाँ पे ऑयल लगा देंगे, ऑयल भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम लगा सकते हैं, ऑयल का कोई वो नहीं है, लेकिन पराठे में अगर ऑयल होता है ज्यादा तो तभी अच्छा लगता है। पलटा देंगे, ठंडी का समय चल रहा है, ठंडी में आप सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं पराठे। और इस तरीके से दबाते हुए हम इसे पका लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जब हम इसे लो फ्लेम पे पकाते हैं, दबाते हुए हम इसमें ऑयल लगाते हैं, ये देखिए। और पलटाएंगे, काफी अच्छा इसका कलर आया है, पराठा जो है हमारा रेडी हो चुका है। निकाल लेंगे इसे हम, पराठा हमारा रेडी हो गया है, और इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। फाइनली हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं, और सारे पराठे बन गए हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छे दिख भी रहे, लुक भी काफी अच्छा आया है इनका, और थोड़ा सा ठंडा होने का हम इंतजार करते हैं। तो फाइनली हमारी एक चटपटी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप इसे टमाटर सॉस के साथ खा सकते हैं, या आप दही के साथ खा सकते हैं, या आपकी जो भी पसंदीदा चटनी है उनके साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। और ये बनाना भी बहुत ही कम समय में बन जाते हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। और जल्दी से अगर आपको कोई अच्छी रेसिपी और चटपटी रेसिपी खानी है तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को सीखने को मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज के साथ, हैप्पी कुकिंग।